नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की पुलिस की नींद हराम करने वाले 5 शातिर चोरों के पास से 19 बाइकें बरामद कर चैन की सांस ली। आज एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ी हुई थी, जिसके लिए संबंधित थानों को चेकिंग करने के निर्देश दिए गए थे। आज सदर कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ पूछताछ की तो बाइक चोर निकला, जिससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो लखनऊ बाईपास स्थित सुनसान जगह में पन्नी में ढकी 19 बाइक मिली, जो जिले सहित अन्य जनपदों की थी। पकड़े गए बाइक चोर जिले सहित चित्रकूट कौशाम्बी जनपद के रहने वाले हैं, जो बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर भाग निकलते थे, जिन्हें अरेस्ट कर जेल भेजा जा रहा है। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। थाना कोतवाली क्षेत्र में विगत दिनों में वाहन चोरी की वारदातें काफ़ी बढ़ गई थी, जिसके लिए थानाध्यक्ष और COCT के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था और टीम ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। 19 वाहन बरामद हुए हैं चोरी के, जिनमें से 7 वाहन तत्काल अभी कनेक्ट हो चुके हैं। शेष वाहनों के संबंध में भी हम जानकारी कर रहे हैं कि कहां से चोरी हुए थे वाहन। ये सारे वाहन जो अभी कनेक्ट हुए हैं, सब फतेहपुर जनपद से विभिन्न थानों से चोरी के वाहन कनेक्ट हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी सफलता है। और इसमें जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, 5 अभियुक्त हैं, जिनमें एक अभियुक्त हुसैनगंज थाने का है, एक अभियुक्त हथगांव का है, 2 अभियुक्त कौशाम्बी जनपद के हैं और एक अभियुक्त चित्रकूट जनपद का है। इस तरह से ये इंटर रेंज गैंग है, ये बहुत ही बड़ा गैंग है, जो कि विभिन्न जनपदों में जा जा करके आसपास और ये चोरी कर रहा है वाहनों की। निश्चित रूप से पूरी उम्मीद है कि इससे हम लोग और भी ज़्यादा वाहनों को बरामद करेंगे। अभी इनसे डिटेल पूछताछ की जाएगी रिमांड पर लेकर के, और बहुत बड़ा ये इस गैंग रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा और बहुत बड़ा वर्कआउट भी हम लोग आगे भी करेंगे।